कि नवा योजना आपे पे खुशी है कना से बान है? आप लोग योजना से खुश है ना? चलिए बहुत बढ़िया। आज इस योजना में जो हमको यह आंकड़ा बताया गया है, कल का आंकड़ा है, लगभग 6 लाख महिलाएं कोल्हान में इस योजना से जुड़ चुकी हैं। ये कल का आंकड़ा है और हर दिन 10-20-50 हजार बढ़ जा रहा है। हम लोगों ने विगत 15-20 दिनों में, मात्र 15-20 दिनों के अंदर इस राज्य की लगभग 48 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया योजना से जोड़ दिया है और ये योजना खत्म होने वाला नहीं है, ये योजना चलता रहेगा। जिस महिला का उम्र 21 साल हो जाएगा, स्वतः मुख्यमंत्री मैया योजना का हकदार हो जाएगी। और इसीलिए बहुत सारा महिलाओं का कल 21 साल हो जाएगा, किसी का आज हो जाएगा, किसी का परसों हो जाएगा, किसी का तरसों हो जाएगा। अगर हम आज का आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि 6.5 लाख पार। और ये उत्साह, ये उमंग, कल भी हम संथाल परगना के एक कार्यक्रम में थे, इतना बारिश और उस बारिश में भी महिलाओं का जो तांता लगा हुआ था उस कार्यक्रम में आने का, पंडाल भर गया, पंडाल के बाहर बारिश में खड़ी महिलाएं अपना उत्साह और उद्गार व्यक्त कर रही थी। और यही उद्गार, यही उत्साह, यही उमंग हमें ताकत देता है आपके लिए काम करने के लिए, हमें शक्ति मिलती है इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए काम करने के लिए, जो इस देश में, इस राज्य में सबसे पिछड़े लोग हैं। आपको मालूम है कि हम लोगों ने सरकार 2019 में बनाया है, इससे पहले 19-20 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस राज को हांकने का काम किया था, लेकिन उसमें भी 10-11 महीना हम लोगों ने उससे छीना भी था, लेकिन फिर हम लोग छूट गए। फिर डबल इंजन का सरकार आ गया और उस डबल इंजन ने सरकार तो इतना तांडव किया इस राज में कि वो भी एक इतिहास का पन्ना में उनके 5 साल के दिन भी लिखे जाएंगे। अंतोगत्वा ही डबल इंजन के सरकार से त्रस्त आकर के राज्य की जनता ने यहां के मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनाई, झारखंडियों की सरकार बनाई और उस सरकार का जिम्मा हमारे कंधों पर डाला। लेकिन कौन जानता था, बड़ी सोच और सपने के साथ तो सरकार बनाए जरूर, लेकिन 2019 में सरकार ठीक से बना भी नहीं था। आपको मालूम है कोरोना जैसा महामारी पूरे राज्य में आ गया, पूरा देश में छा गया और कोरोना के बारे में आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, ये तो औद्योगिक नगरी के आसपास के लोग आप लोग हैं। कैसा मंजर, कैसा दिन था उस लॉकडाउन का, 2 साल हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी सब बंद, अपने से घर में ताला लगा करके लोगों को रहने का आदेश हो गया, मुंह में पट्टी लगा करके घूमने का आदेश हो गया,
बिना पट्टी लगा के कोई घूम नहीं सकता था, कोई भीड़ जमावड़ा नहीं कर सकता था, कोई घर से निकल नहीं सकता था, इसलिए काम धाम सब ठप। ना रेल, ना हवाई जहाज, ना गाड़ी, ना मोटर, ना साइकिल, कुछ नहीं चलता था, हाट बाजार भी बंद। ऐसे स्थिति में झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ऐसी आपदा, ऐसी विपत्ति एक अभिशाप के जैसा होता है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। सीमित संसाधन में जहां हॉस्पिटल का हालत ठीक नहीं, डॉक्टरों का आता पता नहीं, ऐसे स्थिति में भी हम लोगों ने दिन रात एक करके इस राज्य के लोगों की जान बचाने का काम किया था। और आपको याद होगा कि इस कोरोना में हमारे झारखंड नहीं, पूरा देश का लोग रोजगार रोजी रोटी के लिए अलग अलग राज्यों में आते जाते रहते हैं। हमारा राज्य के लोग गरीब पिछड़े हैं, तो बड़े पैमाने पर कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई बेंगलोर, कोई केरल, कोई तमिलनाडु में जाके काम करता था, यहां तक कि विदेशों में भी जाके काम कर रहा था। लेकिन अचानक लॉकडाउन हुआ, सबको नौकरी से बाहर कर दिया। उसके पास तो घर सर छुपाने के लिए छत भी गायब हो गया, खाने के लिए होटल नहीं, राशन का दुकान बंद, भूखमरी की हालत हमारे मजदूर भाइयों का हो गया। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था। और याद कीजिए वो दिन कि उस कोरोना महामारी में आपके भाइयों को हम हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहे थे। देश में पहली बार यहां देश के प्रधानमंत्री जो है उस समय कहते थे कि हम हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो वो कभी चढ़ाए नहीं, लेकिन भूखमरी का हालत में जरूर पहुंचा दिया लोगों को। ऐसा दर्दनाक मंजर दुनिया ने कभी नहीं देखा। हमारी महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई, चलते चलते ये हालत था। लेकिन हम लोग अपने इस छोटे से राज में हम लोगों ने कोई अफरा तफरी नहीं होने दिया, शांतिपूर्वक इस महामारी का सामना हम लोगों ने मिलजुल कर किया। और आपको पता है कि उस महामारी में योद्धा के रूप में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला समूह कौन था? वो समूह था इस राज की महिला समूह, जहां हमारे गांव गांव पंचायत पंचायत में महिला सरकार के द्वारा दिया गया आदेश के अनुसार खाना बना बना करके अपने मजदूर भाइयों को मुफ्त में खिलाने का काम कर रही थी। इस कोरोना काल में हमारे दो दो मंत्री कोरोना के चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो गई। हाजी हुसैन अंसारी साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे, टाइगर जगन्नाथ महतो जी हमेशा कोरोना में लोगों के बीच में रहते थे बेचारे। हमने कई बार मना किया, लेकिन वो लोगों के बीच से बाहर नहीं आए, और आखिरकार कोरोना ने उसको चपेट करके अपने साथ ले जाने का काम किया। और आज उनकी बेवा पत्नी यहां बेबी देवी जी बैठी है, जिनको हम मंत्री बनाए हैं, आज उन्हीं का विभाग से इन महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे विपक्ष के लोगों को, हम लोगों का काम उन लोगों को रास नहीं आता है। और अभी तो दो तीन महीना के बाद चुनाव है इस राज्य में विधानसभा का, फिर से इस राज्य में सरकार चुनने का, और ये लोग विगत तीन चार महीने से, पांच महीने से यहां पर
अपना जहरीला बीज बोने पे लगा हुआ है। यहां के नेताओं से वो बीज नहीं बोया गया तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम से नेताओं को लाया जा रहा है और यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के भीतर एक सांप्रदायिक तनाव और द्वेष फैलाने का काम शुरू हो चुका है। किसी को आदिवासी, दलित, पिछड़े के नाम पर लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाओ, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर लड़वाओ, इस तरीके के इन लोगों के आज के दिन में भाषण चल रहे हैं। इनको इस राज्य का जितना अल्पसंख्यक समुदाय है सभी इनको बांग्लादेश दिखता है, सभी इनको घुसपैठिया दिखता है। और आदिवासी हितों की बात करते हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को बधाई देने तक इन लोग मुनासिब नहीं समझता है। 20 सालों में कभी इन लोगों ने राज्य में आदिवासी महोत्सव नहीं मनाया। राज्य अलग होने के बाद इन्हीं के हाथ में देश राज्य का चाबुक था, बागडोर था, कभी आदिवासी महोत्सव में आदिवासियों को सम्मान नहीं मिला। आज यहां के आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी, हर 9 अगस्त को 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव इस झारखंड में मनाया जाता है। ये इनके इन प्रकार है, जब से हम सरकार बनाए 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगे, रोज कुछ ना कुछ, इतना षड्यंत्र। यहां जहां इनको सरकार बनाने का जनता मैंडेट नहीं देती है, सरकार बनाने का अधिकार जनता छीन लेती है, ये लोग धन बल के दम पर ईडी सीबीआई के नाम पर विधायकों को, मंत्रियों को, सरकार को डरा करके, पदाधिकारियों को धमकी दे करके सरकार गिराने का काम में लगा रहता है। कई राज उदाहरण है जहां पर इन लोगों ने गलत, उल्टे सीधे झूठा आरोप लगा लगा कर नेताओं को जेल में डाल दिया है। हमको भी 2 साल तक खदेड़ता रहा, जब आखिरकार इन लोग हमसे नहीं सका तो झूठा आरोप में जेल में डाल दिया। इन लोग को लगता है कि इस देश का सारा आदिवासी बोका है। हम मानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज अभी तक उस मकाम में नहीं पहुंचा है जहां तुमसे, तुम्हारे बराबरी की पढ़ाई करता हो, तुम्हारे जैसा लोगों का रिश्तेदार जजेज नहीं हो, वकील ना हो। हमारे आदिवासियों में ये कम तादाद में, लेकिन वो भी दिन आएगा, उस मकाम पर हम लोग भी धीरे धीरे पहुंचेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज आने वाली पीढ़ी मजबूती से अपना कदम बढ़ाए, इसके लिए पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, इस राज की महिलाओं को सशक्त करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ अपना हक अधिकार लेने में ताकत जुटा सके। राज अलग होने के बाद या राज अलग होने से पहले आज भी हमारा गांव ऐसा पहाड़, जंगल, नदी किनारे में बसा है जहां आज के दिन में कई महिलाएं ऐसी हैं जो ब्लॉक ऑफिस कभी देखा नहीं है। बीडीओ सीओ है, कौन है बीडीओ सीओ ये भी पता नहीं। डीसी और एसपी का तो बात का बात है, जिला कार्यालय तो बात का बात है, ब्लॉक कार्यालय तक नहीं देखा। नवा दिशो आयमा को हड़ को हड़ाम को जुवन कोड़ा को बाको नेल का ब्लॉक ऑफिस सरकार में ना बीडीओ सीओ को एक ना नुआ बाको बढ़ाया, लेकिन हदीस पे और दिशा पे सरकार बिना कते आलिया नुआ अबुआ सरकार आतू आतू रे पंचायत पंचायत रे सेन कते आपे समस्या ऑल कते इंटेन को सिटर लेदा। अनेकों बार पंचायत में शिविर लग करके पदाधिकारी जा जा करके इस राज के
गांव ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को निदान किया और जो नहीं हुआ वो हमारे तक आया। कभी कोई पदाधिकारी को आप लोग गांव में जाते हुए देखा था इससे पहले 20 सालों में? लेकिन यहां तो आए दिन पदाधिकारियों को हम लोग गांव भेजने का काम करते हैं। आपकी समस्या, आपके समाधान कैसे हो उस पर काम करते हैं। इसीलिए हमने पहले भी कहा था सरकार बनने के बाद कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलेगा। और आज इसी का नतीजा है कि गांव का आज एक भी बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है। आज पहले हमारे डबल इंजन की सरकार के लोगों ने इस राज्य में 20 साल में मात्र 15 लाख लोगों को ही पेंशन दिया था और उसमें पता नहीं कितना बुजुर्ग बूढ़ा और बूढ़ी लोगों का। लेकिन इन 4 साल के अंदर, मात्र 4 साल में हमारी सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने इस राज्य के 40 लाख बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया, मात्र 4 साल में। और ये 20 साल में 15 लाख क्या क्या ही डबल इंजन का लोगों ने, हमारे बूढ़ा बुजुर्ग पेंशन के लिए दलालों का चक्कर काटते रहे 20 साल तक, बेचारा कार्ड के लालसा में, कार्ड तो बना नहीं लेकिन बेचारा इस दुनिया से बिना कार्ड का, बिना पेंशन का ये दुनिया छोड़ के चला गया। लेकिन आज हमने कानून बनाया, पहले 60 साल की उम्र तक का कानून बनाया था कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, सिर्फ हमारे जो सरकार सत्ता पक्ष के विधायक नेता कार्यकर्ता नहीं बल्कि विपक्ष के लोगों ने भी हमसे आकर कहा कि सर 60 साल तो आप किए बहुत अच्छा है, लेकिन 50 साल अगर यदि हो जाता तो इस राज्य का सारा गरीब गुरुआ को हम लोग पेंशन दे देते। हम भी विधायक हैं, हम भी गांव देहात घूमते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी ये बातें आने लगी तो हमको लगा सही में ये राज तो गरीब है भाई, वर्षों से तो इस राज का शोषण होता रहा, इन लोगों के पास तो खाने का भी एक दो वक्त का जुटता नहीं होगा। तो हम लोगों ने तुरंत उस कानून को बदला और 60 साल को घटा करके 50 साल का उम्र कर दिया। आप तो दिया लगा करके ढूंढने से बूढ़ा बुजुर्ग नहीं मिलता है बिना पेंशन का, ये आज राज की स्थिति है। और ये काम वही करेगा जो आपके बीच, आपके दुख तकलीफों को जानता हूं। और आज महिलाओं को लेकर अलग अलग योजनाओं को देखेंगे तो महिलाओं को लेकर सरकार के द्वारा बच्चा जन्म से लेकर मरने तक कुछ ना कुछ देने का काम कर रही है। और आज मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से लगभग 48-50 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। अभी हम लोगों ने बटन दबाया, लगभग 6 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका है। आप कल या परसों जाकर के पैसा निकाल लीजिए। 1000 रुपया महीना और 12000 टका साल का। और विचार कीजिए, सोचिए कि घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो कितना 1000 रुपये हो गया, 12 या 36000 टका। और घर में बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप लोग हैं तो उन लोगों का 24000, तो
तो 36 और 24,000 कितना हो गया, 60,000 रुपया जा रहा है हर घर पे। और हम आपको वादा करते हैं ये चुनाव खत्म होगा अगले 5 साल के भीतर हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। फिर किसी के पास भीख मांगने का जरूरत नहीं। इस राज्य का गरीबी का आलम इतना है जो हम लोगों ने करीब से देखा है। कई ऐसे गांव में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो तन ढकने के लिए उसके पास कपड़ा भी नहीं है बेचारा। लेकिन आज आपका ये भाई, ये बेटा इस राज्य का हर गरीब को साल में 2 बार कपड़ा देने का काम करता है। क्यों इन लोगों ने 20 साल सरकार चलाया तो महिलाओं को सम्मान नहीं दिया? क्यों बुढ़ा बुजुर्ग का लाठी देने का काम नहीं किया? क्यों यहां के हमारी बच्चियों को उनका भविष्य सुधारने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई? और आज सावित्री भाई फूले के माध्यम से अभी तक लगभग 9 लाख महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ दिया। कई ऐसी योजनाएं जो हम योजनाएं गिनाना शुरू करें तो हमारा जो विपक्ष है हमारी योजनाओं का बोझ तले जमीन के इतना नीचे चला जाएगा कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। लेकिन इन लोगों को तो हिंदू मुस्लिम करना है, जात पात के दम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। और आए मालिकाना नुकुआ एड़े एड़े कथा 2019 कौन पहल नुआ दिसंबर हर रेंगे तक गुजू कांता है।